नो रेडी हुई हूँ। देखिए मैंने आज ये वाली ड्रेस पहनी है, येलो वाली, और कहीं जाना नहीं है एक्चुअली। आप लोग सोच रहे होंगे इतना रेडी होकर कहाँ जा रही हूँ, जा नहीं रही हूँ, बस आज मुंबई कर बिंदु के ऊपर ना एक बहुत ही अच्छी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ, सो बस उसी की प्रिपरेशन है ये सारी चीज़ें। अभी तक हेयर कोम नहीं किया है मैंने, और थोड़ा सा आज बहुत सारा काम है यार एक्चुअली। देखो मेरे बच्चों का ऑनलाइन स्कूल जब चलता रहता है तो इस तरह से कुछ हाल होता है, और बहुत सारी बातें करनी है आप लोगों से, बताना था मुझे एक्चुअली। कनिष्का ये रख दो, टीवी के बाजू में कोई भी ऐसी लिक्विड चीज़ नहीं रखनी चाहिए, अदरवाइज ये मॉइस्ट होकर ना टीवी ख़राब होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, सो ये रख देना बेटा। हाँ तो मैं क्या बोल रही थी यार, सच में ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा था ये जो दो तीन दिन। हाँ हाँ खा लो ना, मैंगो भी लाया अभी भी मैंने ललिता के घर पे जाके आई, उसमें दो मैंगो है ललिता ने मुझे दिया। कम टू द पॉइंट, मैं ना एक्चुअली बहुत ज़्यादा फीवर वगैरह मुझे आ गया था, और बोलते ना आप मुझे देख सकते, मेरा फेस भी बहुत छोटा हो गया, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील हो रहा था यार मालूम है क्या, और उसकी वजह से ना मुझे वॉमिटिंग और हेडेक, पूरा मेरा हेड और यहाँ चेस्ट पेन भी होने लग गया था। पता नहीं देखिए मेरी हालत, और मैं कुछ ज़्यादा ही पतली होते जा रही हूँ मुझे तो अब ऐसा लग रहा है, मतलब ये दो तीन दिन ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट रहा सीरियसली। भगवान ऐसा कभी किसी के साथ ना हो। और ये एक्चुअली क्या है ना, ये लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में सारी की सारी चीज़ें सब लोग घर में बैठ गए यार, बिल्कुल आदत नहीं होती है ना घर में एकदम से रहने की, और हम भागते दौड़ते वही हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है। अब ऐसा लगता है ना यार सच में काम कर लिया ना बहुत अच्छा था, ये कब ख़त्म हो जाना चाहिए। मैं कैमरा सेट कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वरना बात करने में। तो इतना मुझे ना अभी भी मुझे देखिए आप मुझे कोल्ड है, कोल्ड होने का ये मतलब नहीं होता है कि आपको यू नो कोरोना हो गया या फिर आप ये चीज़ों सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो घर में ही हूँ मैं, तो कहीं जाती भी नहीं हूँ, बाहर भी कहीं नहीं, फिर भी ये जो हम चीज़ें घर में बैठे बैठे जो सोचने लग जाते हैं कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती। मुझे ना बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था यार सोच सोच के कि मतलब इतनी जो चीज़ें मैं देख रही थी ना टीवी में, तो मतलब आप देखो ना बाहर की कंट्री में भी, मतलब वहाँ पे भी कितने सारे लोगों की यू नो दुखद निधन हो गया है। ये देखो कॉल, एक मिनट है कॉल, मुझे ना मेरे मन में इतना दुख है ना यार, और इंडिया में भी इतनी सारी चीज़ें जो चल रही हैं, इतना मेरे मन में दुख है ना कि मैं कहीं ना कहीं तीन चार दिन से रो ही रही थी, और फिर मेरे हस्बैंड जी ने मुझे बहुत समझाया कि ऐसा नहीं है बिंदु, अपने आप को संभालो ये सब चीज़ें है ना, सो बहुत ज़्यादा पेनफुल ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अपने आप को कितना हम एंगेज करें, हम कितना घर में यार कितना अपने आप को इंटरटेन कर सकता है कोई भी घर में रह के, यू नो मैं वो सारी चीज़ें जब टीवी पे देख रही हूँ और सब, तो कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा फीलिंग आई यार, ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों, मतलब भगवान कहीं ना कहीं भगवान निर्दयी नहीं है यार, कहीं ना कहीं इस चीज़ का भी सलूशन होगा। बहुत से लोग हैं जो रास्ते पे अपने घर जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जब मैं देखती हूँ ना तो मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास होता है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये सब थोड़ा सा मैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। और सोच सोच के ना मेरी भी बहुत हालत ख़राब हो रही थी इस तरह से, इसलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों के साथ में शेयर करूं अपने ब्लॉग वगैरह। लोग काम करते हैं, लोगों को मैं देख रही थी, बट मैंने मोबाइल को हाथ भी नहीं लगाया इतने दिन से, मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं था कि मैं मोबाइल को टच करूं और कुछ करूं। थोड़ी ठीक लगती थी तो थोड़ा बहुत वीडियो बना लेती थी, बट बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होने लग गया है। मतलब अभी थोड़ा सा मैं आज थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे, तो मैंने आज आप लोगों के साथ में अपनी जो दिल की है ना तसल्ली यार बोलते हैं ना किससे बातें करेंगे, तो मैंने सोचा आप लोगों से बातें करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। कभी नहीं सोचा था ऐसी सिचुएशन आ जाएगी लाइफ में है ना, बहुत हमारे अपने जब मम्मी से मिलने का बहुत मन करता है, गीता दीदी से, मम्मी को नहीं देखा ना बहुत दिन से, तो ऐसा लगता है कि क्या यार, मतलब इतना भी दूर नहीं है कि 8 किलोमीटर हम जा नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बाहर निकलने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्वेश्चन आंसर है,
फिर जिस चीज का डर है आप लोग समझते हैं, ये ऐसी महामारी है कि अपने लोगों से मिलना भी बहुत ऐसा लगता है कि क्या करें। तो बस भगवान जी का पूजा पाठ ये सब सब में मन लगाया है मैंने, अभी जाकर करती हूँ मैं वैसे तो यार, लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एकदम बहुत डिप्रेस हो गई थी। और सर्दी खांसी होने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोरोना वगैरह है, और घर में रहिए। हम तो बहुत साफ़ सफाई करती हूँ, हर एक चीज़ करती हूँ, काम वगैरह जो भी होता है मैं से सारी चीज़ें करती हूँ, और बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन ऐसी हो गई है ना कि कोई कुछ चाह के भी नहीं कर सकता। बस आप लोगों का प्यार इसी तरह से मिलता रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन कर रहे थे, यू नो मैसेज कर रहे थे, लेकिन मैं सब लोगों के आंसर नहीं दे पा रही थी क्योंकि मैं फ़ोन थोड़ा मैंने सोचा कि मैं दो तीन दिन मतलब इसे तीन चार दिन जो भी रहेगा ना मैं थोड़ा इसे दूर रहूँगी तो थोड़ा मेरे लिए भी अच्छा रहेगा। काम तो ज़िंदगी भर करना है ना, तो YouTube पे वीडियो डालना एक मेरा पैशन है, आप लोगों के साथ में जुड़ना एक मेरा पैशन है। मेरा ये नहीं है कि बस मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला, लेकिन मुझे एक बहुत अच्छी खुशी होती है कि मैं YouTube पे बहुत सारी चीज़ें कर पाती हूँ और आप लोग मुझे देखते हैं। तो मुझे ना मेरा ये पैशन है कि लोग मुझे जाने समझे और सपोर्ट करें, मतलब बहुत अच्छा लगता है यार। बचपन से मेरा एक सपना था कि मतलब मुझे बहुत सारे दोस्त चाहिए, मुझे ना फ्रेंड्स बनाना बहुत अच्छा लगता है सीरियसली। और YouTube ने मुझे वो एक प्लेटफॉर्म दिया है तो मैं क्यों ना इस चीज़ का यू नो यूज़ करूँ, यूटिलाइज़ करूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं फ्रेंड्स जो मैं आप लोगों के साथ में आगे भी शेयर करूँगी, मेरे लाइफ की हर एक छोटी से छोटी चीज़, हर एक जर्नी दिखाऊँगी आप लोगों को, मैं किस तरह मैं किस टाइप की हूँ, मेरा बहुत पॉजिटिव। मैं यहाँ पे रोने और बहुत उदास होके अपना जर्नी आप लोगों के साथ में नहीं शेयर करना चाहती, मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही पॉजिटिव जो है मेरी लाइफ मतलब मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ। बहुत सिंपल है एंड बहुत पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं लड़खड़ा जाती हूँ मैं जानती हूँ, और उसे उस बोलते ना उस दौर से निकलने का एक वो रास्ता भी मैं जानती हूँ। मैं डिप्रेस होती हूँ, मैं अगर टेंशन लेती हूँ तो मेरे घर में सब कुछ ऐसे पड़ा रह जाता है, उतना तो है। और बहुत सारी चीज़ें जो मुझे आप लोगों से बात करना था। चलिए फिर मैं आगे मेरी ना वीडियो देखना मुंबई कर बिंदु पे, मैं वहाँ पे अपनी वीडियो अपलोड करूँगी अभी थोड़ी देर में। जैसा भी यार मुझे काम करने का बहुत शौक है, यूट्यूब पे इतना अच्छा लगता है कि ये जो फीलिंग है ना बहुत अच्छा लगता है मुझे। अभी मैं ललिता से मिल के आई थी, ललिता मुझे बोल रही थी कि इंडियन मॉम ललिता उनके चैनल को भी आप सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, बहुत अच्छे ब्लॉग बनाती हैं। वो मेरी बहन है, वो मेरी छोटी बहन है, और मैं उनके ब्लॉग में भी आप लोगों को दिखूंगी। अगर मैं यहाँ अपनी रूटीन नहीं बना पाती तो ललिता के ब्लॉग में मैं दिख जाती हूँ, आप लोग वहाँ पे भी मुझे देख सकते हो। तो बहुत अच्छा लगता है, ललिता ही मुझे आज बोली कि बिंदु ब्लॉग बना अच्छा लगेगा, तुझे थोड़ा सा फील अच्छा होगा, लोगों से कनेक्ट रहे, लोगों से बातें करते रहे, है ना। जो डिप्रेशन का जो फेज होता है ना, वो एनजाइटी अगर आप फील करते हो ना तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आपके ब्रेन में वो जो लिक्विड निकलती है ना वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। वो सारी चीज़ें मैं भी जानती हूँ यार, मतलब ये सब सोचना भी नहीं चाहिए कि हमें खुदा ना खास्ता कभी कोई प्रॉब्लम हो और हम यू नो अभी ये सिचुएशन में तो हॉस्पिटल और डॉक्टर्स भी नहीं मिल रहे हैं। जैसे अगर नज़दीक में भी मुझे जाना है OPD के लिए तो फिर भी वहाँ पे भी लोग नहीं बैठ रहे हैं, सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ रहा है। तो अपॉइंटमेंट में भी डॉक्टर सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपको सर्दी खांसी तो नहीं है। जब एनजाइटी होती है तो कहीं ना कहीं पित्त लेवल बढ़ जाता है, और पित्त लेवल बढ़ने की वजह से ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है, और बाद में जाके ब्रेन में पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं वो इम्पैक्ट करता है। तो ये सब सिचुएशन ये सब चीज़ें मुझे चलने लगी, क्योंकि वो सब चीज़ मैं देख रही थी ना तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने लग गई थी। और अब आज थोड़ा ठीक लग रहा है, ललिता से बात करके आई, थोड़ा दीदी से बात कर लेती हूँ, गांव में फ़ोन कर लेती हूँ, सबसे बातें कर लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा फील होता है। आज थोड़ा फीलिंग बेटर लग रहा है मुझे, तो मैं अभी वीडियो शूट करूँगी, अच्छे से बनाऊँगी। तो ऐसे ही वीडियो बना के बस डाल दिया था, बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी ना। तो चलिए यार सब लोग अपना ख्याल रखिए, घर पे रहना बहुत आसान नहीं होता है, मुश्किलों का सामना करके हम सारी चीज़ें करते हैं। बस मुझे आज आप लोगों से थोड़ी सी चिट चैट करनी थी, इसीलिए मैं ये वीडियो अपलोड कर दूँगी इसी तरह से। और चलिए अपना ख्याल रखिए, आप लोग भी, मैं अच्छी हूँ और आप भी अपना ख्याल रखिए, और इसी तरह से अपना प्यार बरसाइए ताकि मैं अपने अच्छे काम कर सकूँ और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे वीडियोज़ मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर पाऊँ।
है ना। तो मिलती हूँ मैं आपको आगे मेरे मुंबई के बिंदु पे। आप देखिए, ये तो मेरा छोटा सा कॉन्वर्सेशन था आप लोगों के साथ में, जो मुझे लग रहा था ना कि मैं बातें करूँ आप लोगों के साथ। चलिए बाय, अच्छी हूँ मैं अब।